आलोट में 99 नदियों के त्रिवेणी संगम स्थल शिपावरा घाट पर शिवरात्रि के महापर्व पर भक्तों का तांता लगा। शिपावरा घाट पर भगवान भोलेनाथ का प्राचीन मंदिर स्थित है। यहां पर प्रतिवर्ष शिवरात्रि के अवसर पर हजारों शिव भक्त मनोकामना की पूर्ति के लिए आते हैं, यहां दर्शन करते हैं। आलोट नगर से 20 किलोमीटर दूर स्थित शिपावरा में 99 नदियों के संगम स्थल पर भगवान भोलेनाथ का प्राचीन मंदिर स्थित है। यहाँ पर प्रतिवर्ष शिवरात्रि के अवसर पर हजारों शिव भक्त दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण होने की इच्छा रखते हैं। इस मंदिर का शिवपुराण में भी उल्लेख है। साथ ही ये भी मान्यता है कि जब भगवान भोलेनाथ ने भस्मासुर को वरदान दिया कि वो जिसके भी सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, तब भगवान अपना बचाव करते हुए इन्हीं जंगलों में आकर छुपे थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये प्राचीन मंदिर पुरातत्व की धरोहर होने के बावजूद जर्जर अवस्था में रहा। प्रशासन और जन प्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते मंदिर एवं घाट विलुप्त होने की कगार पर खड़े हैं। लोगों का कहना है कि यदि प्रशासन यहाँ मंदिर और घाट के रखरखाव की ओर ध्यान दे तो निश्चित ही यहाँ का पवित्र स्थल पुनः जीवित होकर पुरातत्व विभाग में दर्ज हो सकता है। खैर, प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी यहां पर हजारों की संख्या में भक्तगण दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आलोट से जीतू वरोला की रिपोर्ट। अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा। हर साल आते हैं? हर साल आते हैं। कितनी संख्या आई होगी आज यहां श्रद्धालु? करीबन यूं मान लो कि कहीं भी 5,000। यहाँ जो प्रसिद्ध स्थान है इसके बारे में कुछ जानते हैं आप? हाँ, बहुत पुराना स्थान है, भोलेनाथ का स्थान है, कई युगों युगों से है। हाँ, क्या नाम है आपका? कमल सिंह। क्या नाम है आपका? कुशाल भाई। कहाँ से आया? सताखेड़ी। हर साल आते हैं? हर साल आते हैं। कोई मनोकामना पूर्ण होती है आने से? आई है। आपकी हुई? हाँ, हुई है।